मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है। CBT 2 में क्लासिफिकेशन एक सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें ये नहीं दिया है कि वर्बल आएगी या नॉन वर्बल आएगी। वर्बल सबको पता होता है, वो काफ़ी ईजी होता है। नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन में, वो हम फंस जाते हैं। तो आज हमारा चौथा कड़ी है क्लासिफिकेशन का, हमारा आज फोर्थ पार्ट है। आप देखेंगे तो फर्स्ट से फोर्थ पार्ट में जितने भी क्लासिफिकेशन के मैंने जो प्रश्न कराया है, उससे बाहर नहीं आएंगे। उससे बाहर मतलब उस पैटर्न से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह का जो फिगर बनते हैं वो काफ़ी बन सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो मैं पैटर्न बनाया हूँ, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो आप अगर चारों लेक्चर क्लासिफिकेशन के देख लेते हैं, तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ, जो नॉन वर्बल वाला क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है, वो आपसे CBT 2 में नहीं छूटने जा रहा है। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसको हम अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें करना क्या है, जो दो पार्ट दिया हुआ है उसमें से इसमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सेकंड फिगर में होगा। ये नहीं कि इसका रिलेशन इससे होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका रिलेशन इसके साथ तो बाद की बात है। हमको देखना है कि जिस तरह से फर्स्ट फिगर में कुछ हो रहा होगा, उसी तरीके से सेकंड फिगर में होना चाहिए। अगर फर्स्ट फिगर में कोई क्लॉकवाइज चीजें रोटेट कर रही है, तो सेकंड फिगर में भी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो हमको क्या देखना है कि फर्स्ट फिगर में जो चीजें हो रही है, जो प्रॉपर्टी हो रही है, जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, वही सेकंड फिगर में एक्टिविटी होगी। ये नहीं कि हम इसको रोटेट करेंगे तो सेकंड बचेगा। अगर फर्स्ट फिगर में इस तरह से दिया हुआ है, सेकंड फिगर में इस तरह से दिया हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट फिगर 90 डिग्री से रोटेट होकर सेकंड फिगर बन रहा है। फर्स्ट फिगर में देखें तो जो जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है, प्रॉब्लम हमेशा दो ही पार्ट में दिया है, ठीक है, और आंसर उसमें से जो पांच फिगर है उसमें से एक आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट में बॉक्स बने हुए हैं, इस तरह से अल्टरनेट में बॉक्स बने हुए हैं। इसमें यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस है, तो देखिए। और सेकंड फिगर की बात करें तो ऊपर डार्कनेस है और उसके बाद नीचे डार्कनेस है। हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट में हम सोचेंगे कि जो डार्कनेस बनेगी वो इस लाइन के आसपास बनेगी, लेकिन सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर में देखते हैं कि वो डार्कनेस है, वो लाइन के पास नहीं है। तो यानी कि हमारा जो ये प्री अजम्पशन था कि हमारा जो कंसेप्ट होगा इसमें वो लाइन के पास डार्कनेस होगी, वो वाला लॉजिक हमारा खत्म हो गया, यानी कि रॉन्ग हो गया। तो अब किस नजरिए से हम देखेंगे इसको, देखेंगे कि ये जो लाइन है उसके अल्टरनेट में डार्कनेस हो रही है, यानी कि पहले इधर डार्कनेस हुई, फिर इधर डार्कनेस हुई, फिर इधर डार्कनेस हुई, इस तरह से अल्टरनेट में हो रही है। एक इधर डार्कनेस होती है तो एक उधर डार्कनेस होती है। तो अगर सेकंड फिगर की बात करें तो इसमें भी हो रही है, एक इस डायरेक्शन में डार्कनेस होती है तो एक ऊपर वाला डायरेक्शन में डार्कनेस होती है, ये भी तो अल्टरनेट ही हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे एक इस डायरेक्शन में होती है तो एक इस डायरेक्शन में, तो अल्टरनेट वे में हो रही है। और सेकंड फिगर में भी ऐसा ही डार्कनेस हो रही है, एक नीचे हो रही है तो फिर दूसरे में ऊपर हो रही है, तीसरे में नीचे हो रही है, यानी कि हमारा ये कंसेप्ट सही जा रहा है कि डार्कनेस होगी का जो कर्व होगा वो अल्टरनेट वे में मुड़ेगा। पांचों में से हमको आंसर फाइंड करनी है, तो देखिए पांचों में से आंसर आपका क्या होगा। देखिए फर्स्ट में तीनों डार्कनेस ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एक होना चाहिए नीचे तभी अल्टरनेट बनता, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है, यानी कि ये तो बन रहा है आंसर। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है। फोर्थ में भी बात करें तो फोर्थ में भी तीनों एक ही डायरेक्शन में है, फिफ्थ में भी तीनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डार्कनेस है वो अल्टरनेट वे में है। इस तरह से आपको फाइंड करनी है, पहला का जो रिलेशन होगा वो सेकंड के साथ इसी तरीके से मैच होनी चाहिए। फर्स्ट में जो क्रिया हो रही है वही क्रिया सेकंड में भी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करनी है। अगले फिगर की बात करें तो अगला में देखें दो आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में देखेंगे कि एक एरो है, एक इस तरह से बॉब बना हुआ है, फिर एरो है, फिर बॉब बना हुआ है। अब इसमें हम पहले देखेंगे, इसमें देखेंगे कि पहले एक एरो है उसके बाद बॉब है, एक एरो फिर बॉब, तो क्या दो बॉब और दो एरो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, यानी कि जितना एरो जितना बॉब होनी चाहिए। अगले में देखते हैं तो तीन बॉब है और तीन एरो है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिल रहा है। आगे हम आंसर फाइंड करने की बात करें तो अगर देखते हैं जितना बॉब होगा उतना ही एरो कहीं पे दिख रहा है। देखते हैं तीन एरो यहाँ पे, तीन बॉब दो एरो है, तो यानी कि फर्स्ट वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करें तो चार बॉब
और दो है तो यहां पे भी गलत हो गया क्योंकि हमें बराबर बराबर देखनी है कि बराबर बराबर आ रही है कि नहीं। थर्ड में एक एरो एक बॉब, तो यानी कि यहाँ पे बराबर बराबर है तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कहेंगे जिस लॉजिक से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या वो लॉजिक सही है, क्योंकि एक ही आंसर होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन में हाफ हाफ वाला जो कंसेप्ट है वो अगर आ जाए तो वो हमारा कंसेप्ट सही नहीं होगा। तो हम अभी आगे भी देख लेते हैं। तो अगर फोर्थ की बात करें तो दो एरो है तीन बॉब है, तो यहाँ भी गलत हो गया। फिफ्थ की बात करें तो दो एरो है तीन बॉब, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा। सही मैंने सोचा था कि जो हाफ हाफ का कंसेप्ट है जितना एरो होगा उतना ही बॉब होगा, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। वही कंसेप्ट हम लेके चल रहे थे और वही कंसेप्ट से ये आंसर फाइंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह से एरो बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन जो बना हुआ है अंदर वाला लाइन है वो क्या है, छोटा है, ऊपर वाला लाइन से छोटा है, इधर वाला लाइन से छोटा है, यानी कि जो अंदर का जो लाइन बनेगा वो पहले वाले लाइन से छोटा होगा। अगले फिगर में भी वही कंसेप्ट लागू हो रहा है कि जो बाहर वाला लाइन होगा वो अंदर वाला से बड़ा होगा। अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बाहर वाला एक लाइन है वो छोटा है, ठीक है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे देखेंगे बाहर वाला जो लाइन है वो छोटा होगा इस कॉर्नर में। थर्ड की बात करें तो बाहर वाला सभी लाइन क्या है, बड़ा है, और अंदर सभी छोटे हैं। फोर्थ की बात करें तो उसमें ऊपर वाला इस कॉर्नर में देखेंगे तो एक छोटा लाइन है, तो ये गलत हो गया। फिफ्थ में तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन है इसके आसपास कोई लाइन ही नहीं है, ना बड़ा है ना छोटा है, यहाँ भी एक लाइन है इसके आसपास कोई लाइन ही नहीं, ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है, तो फिफ्थ वाला भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं इस फिगर की, इस फिगर में देखेंगे कि जो भी यहाँ पे एक क्वाड्रेटरल है यहाँ पे कितने मैक्सिमम डायगोनल बन सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम दो डायगोनल बन सकते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें भी मैक्सिमम दो ही डायगोनल बन सकते हैं, उसको बनाया हुआ है। अगर हम उसी कंसेप्ट को लेके आगे ऑप्शन की ओर बढ़े तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो बना ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ इस तरह से भी डायगोनल बननी चाहिए, लेकिन फर्स्ट में कोई ऐसा डायगोनल तो बन नहीं रहा है, और भी डायगोनल बन रहे हैं लेकिन बेस वाले में डायगोनल नहीं बन रहा, तो ये हमारा तो रॉन्ग हो गया जिस कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में डायगोनल तो बन ही नहीं सकता, त्रिभुज में डायगोनल तो होता ही नहीं, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में डायगोनल तो बन रहा है लेकिन बीच से भी हमारे कुछ लाइन बन गए, लाइन बन गए हैं, तो ये हमारा कंसेप्ट ही गलत बता रहा है, तो जो कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें एक डायगोनल बन रहा है लेकिन बीच से भी कुछ लाइन बने हुए हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हम अगर फिफ्थ की बात करें तो जितने पॉसिबल डायगोनल हो सकते हैं उतना बनाए गए हैं, तो जो हम डायगोनल वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो फॉलो कहाँ पे कर रहा है, वो फिफ्थ में कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखेंगे एक यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद इसके अपोजिट में बना हुआ, उसके बाद इस तरह से बना हुआ है, फिर उसके सेम डायरेक्शन में बना हुआ है। अब देखते हैं, इतना ही देख के हम आगे वाला फिगर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्शन में है तो इसके पास वाले इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है तो ये भी एक डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी एक डायरेक्शन में है, और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट वाला हम फॉलो करेंगे कि ये जो दोनों होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और यहाँ पे जो होंगे वो क्या स्ट्रक्चर होंगे वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कंसेप्ट लेके हम अब ऑप्शन में जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में देखें तो एक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा है यहाँ वाला। थर्ड की बात करें तो यह अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है और नीचे वाला दो है वो भी सेम डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। हम इतना ही से फाइंड करनी है, आगे वाला हम फिगर नहीं देख रहे हैं, आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे देखते हैं फोर्थ में तो वहां पे भी अपोजिट डायरेक्शन वाला जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो फॉलो नहीं हो रहा फोर्थ में, और फिफ्थ में भी नहीं फॉलो हो रहा है। फिफ्थ में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हमारा जो कंसेप्ट लेके चले थे वो फॉलो करा है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से आपको फाइंड करनी है, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लासिफिकेशन इसी तरह के पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपको फाइंड करनी है। अगर इस फिगर की बात करें, इस फिगर में देखते हैं जो मुड़ा हुआ पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या है कि ये थोड़ा बेंड किया है, उसके बाद एक बॉब बना है, भी स्ट्रेट है, उसके बाद ये मुड़ा है, उसके बाद एक बॉब बना हुआ है। अब अगले फिगर में देखें तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद बेंड हुआ है, उसके बाद एक बॉब बना है, यानी कि सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो मुड़ने के बाद आए हैं,
जो ये स्ट्रेट लाइन है उसके मुड़ने के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। सेकंड में आप देखें तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बेंड होगा तभी उस पर सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इसमें दो सिमिलर स्ट्रक्चर इस तरह से है, बॉल है दोनों पे, तो ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर तभी आते हैं जब बेंड होते हैं। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे तो पहले ऑप्शन में कोई बेंड ही नहीं हो रहा। हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए दो बेंड पे सिमिलर है और दो डिफरेंट है। यहाँ पे आप फर्स्ट में देखेंगे, प्रॉब्लम में देखेंगे तो दो डिफरेंट है और दो सिमिलर है, और सेकंड में हम देखें यहाँ पे अगर ऑप्शन के सेकंड में देखें तो दो सिमिलर है, दोनों बेंड वाले पोजीशन पे है, वो दोनों डिफरेंट है, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हम बता सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो सिमिलर इसमें फिगर है ही नहीं कहीं पे दो। अगर हम फोर्थ की बात करें तो सिमिलर तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और डिफरेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही फिगर है। दो सिमिलर है लेकिन दो डिफरेंट भी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट है नहीं। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो दो सिमिलर और दो सिमिलर और, यानी कि जो फोर फिगर है उसमें से दो पेयर का सिमिलर है, तो हमको तो दो डिफरेंट चाहिए, तो हमारा फिफ्थ भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड हो सकता है। ठीक है, अगले फिगर की बात करें तो इस फिगर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेंटर की ओर दो एरो है, तो सेंटर की ओर इसमें भी दो टी है, सिमिलर फिगर सेंटर की ओर है और दो डिफरेंट फिगर है। ए की बात करें तो यहाँ पे सेंटर की ओर तो है नहीं, जो दो सिमिलर फिगर है उसका बॉब सेंटर की ओर होना चाहिए तो वो है नहीं, तो हम ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी दो सिमिलर है लेकिन वो सेंटर की ओर है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो दो सिमिलर फिगर है सेंटर की ओर है, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम कन्फर्म नहीं बता सकते। अगर फोर्थ की बात करें तो सेंटर की ओर भी यहाँ पे कहीं नहीं है, दो सिमिलर फिगर है लेकिन सेंटर की ओर नहीं है। अगर फिफ्थ की बात करें तो इसमें दो सिमिलर फिगर ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है। इसमें दो फिगर क्या है, कॉर्नर पे है, और दो फिगर कहाँ पे है, उसके जो मिड पॉइंट पे है। आप देखेंगे ये जो स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ पे एक फिगर है और एक फिगर यहाँ पे है, तो दो कॉर्नर पे है और दो मिड पॉइंट पे है। अगले में देखें तो यहाँ पे भी दो कॉर्नर पे है, यहाँ पे भी दो कॉर्नर पे है, इस तरह से दो कॉर्नर पे है और दो मिड पॉइंट पे है। अब अगले की बात करें तो इसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो कॉर्नर पे तो है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन कॉर्नर पे है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कॉर्नर पे है, दो यहाँ पे मिड पॉइंट पे है, तो ये हो सकता है। अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे है। अगर फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे चारों मिड पॉइंट पे है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले आपको करना क्या है, पहले आप वीडियो पॉज करें, उसके बाद अपने से बनाएं, उसके बाद जो मैं बताता हूँ उससे मैच करने की कोशिश कीजिए। अब इस फिगर की बात करें, इस फिगर में देखने के साथ कुछ ना कुछ दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक जो इस तरह से फिगर बन रहा है उसमें जो लाइन बन रहे हैं बीच बीच में, वो अदर हम लाइन बनाए तो उसमें बीच में आता है, यानी कि यहाँ आया उसके बाद अल्टरनेट में यहाँ आया, फिर अगर यहाँ बना या अगर यहाँ पे एक लाइन बना तो उसके अल्टरनेट में इधर बना, उसके बीच में इधर बना, यानी कि बीच बीच में आ रहा है लाइन। अगर हम त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज में भी इस तरह से बन रहा है कि एक लाइन बीच से खींच दिया और यहाँ पे एक बना, तो अगली बार क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, उसके बाद अगली बार कहाँ पे बनेगा, इस तरह से बनेगा, उसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हमको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है कि जो अल्टरनेट में लाइन होगा वो अपोजिट में अरेंज होते चला जाएगा। अगर इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करें तो ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही लाइन को एकदम से यहाँ मिला दिया है, तो ऐसा तो कहीं है नहीं, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी एक मिडिल वाला लाइन है, वो यहाँ से यहाँ तक कर दिया है, वो भी नहीं होगा, तो हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेट में लाइन खींचा हुआ है, एक इधर खींचा हुआ है तो एक उधर खींचा हुआ है, और एक दूसरे के अल्टरनेट में एक ऊपर है तो उसके नीचे फिर नीचे, ये नहीं कि एक ही लाइन पूरा एकदम से यहाँ से वहां तक चला गया है। फोर्थ की बात करें तो बीच वाला देखेंगे, यहाँ एक तरफ से खींचा दूसरे तरफ लेके चला गया, तो फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा, फिफ्थ भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ में भी फर्स्ट जो लाइन है एकदम से यहाँ से खींचा यहाँ तक मिला दिया, तो फिफ्थ भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट फिगर में यहाँ पे एडजेसेंट में जो बाहर वाला लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, तो एक लाइन यहाँ पे खींचा, एक लाइन यहाँ पे, और एक एडजेसेंट वाला लाइन है वो बाहर खींचा। अगर इसी में दूसरे फिगर की बात करें तो दूसरा फिगर इस तरह से है, एक यहाँ पे है, एक उसके बाद है, और एक उसके बाद यहाँ पे है, एक छोड़ के, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे इसके छोड़ के है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे खींचा हुआ है, तो यही फॉलो क्या कर रहा है, सेकंड में देखते हैं सेकंड में क्या यही चीज फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे
कि सेकंड में भी यही फॉलो कर रहा है, नीचे वाला फिगर को देखेंगे कि एक नीचे है, उसके बाद फिर उसके पास है लाइन खींचा हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस में एक ऊपर खींचा हुआ है जो बाहर वाला है, वो आप ये वाला फिगर को कंपेयर कर सकते हैं और ये वाला फिगर को फर्स्ट वाला ऊपर वाला से कंपेयर कर सकते हैं कि एक षष्ठभुज खींचा हुआ है और एक लाइन यहाँ पे है, एक उसके पास है और एक छोड़ के इसके बाहर है, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया कि यहाँ पे लगातार लाइन खींचे हुए हैं, उसके बाद जो बाहर आएगा वहां पे एक लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे भी लगातार खींचे हुए हैं, लेकिन सेकंड में क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक छोड़ के एक लाइन खींचा हुआ है। यही कंसेप्ट देखते हैं आंसर में फॉलो करता है कि नहीं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, तीनों कंटिन्यूअस में है, लेकिन क्या है कि दो के बीच जो बीच वाला है, ये जो बाहर निकला हुआ है वो बाद में है, लास्ट में है, या आप कह सकते हैं शुरू में है, ये बीच में कहीं नहीं है, ठीक है, ये बीच में नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो ये जो फिगर बन रहा है, अगर ये फिगर हम बनाएं तो ये बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, लेकिन बीच वाला बाहर निकल गया, वही हमारा रॉन्ग कर दिया, तो हमारा जो ए है वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लगातार तो बन रहा है, लेकिन दोनों फिगर में लगातार बन रहा है, एक फिगर में तो हमारा क्या है, एक लाइन छोड़ के आगे होने चाहिए, सेकंड में दोनों फिगर में लगातार बन रहा है, तो दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में भी दोनों फिगर में लगातार बन रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर फोर्थ की बात करें तो जो कंटिन्यूअस बनना चाहिए उसमें फिर से यहाँ पे मिडिल में कर दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल में कर दिया है, मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में कर दिया, तो मिडिल में तो होना नहीं चाहिए, होना कहाँ चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बाहर होना चाहिए, लेकिन मिडिल में कर दिया, तो ये भी गोल। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस बन रहा है और जो बाहर वाला है वो मिडिल में नहीं है, तो ये हमारा सही हो सकता है। और अगर उसके सेकंड फिगर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बाहर वाला है वो एक लाइन छोड़ के बना हुआ है, तो ये हमारा आंसर फॉलो करता है फिफ्थ वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। ये जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन अगर आप ये चारों लेक्चर कर लेते हैं, फर्स्ट से फोर्थ तक जो भी लेक्चर मैंने दिया है क्लासिफिकेशन पे नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो अगर आप कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।